कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.2 का हम 10वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद यानी कि A17 यह इसके 10वें पद A10 से 7 अधिक है। इसका मतलब देखिए, यदि मैं कहूं 10 3 से 7 अधिक है, इसका मतलब क्या होगा, 10 में से 3 माइनस कर दो बराबर 7। इसी प्रकार से एपी का 17वां पद 10वें पद से अधिक है, इसका मतलब A17 में से यदि A10 माइनस कर देंगे तो यह 7 के बराबर है। इसको दोबारा पढ़िए, एपी का 17वां पद एपी के 10वें पद से 7 अधिक है, इसका मतलब A17 में से A10 माइनस कर देंगे तो यह बराबर आएगा 7 के। तो हमें निकालना है इसका सार्व अंतर यानी कि D। आइए देखते हैं इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। A17 का मतलब होता है, हमें पता है AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू DK। तो A17 किसके बराबर होगा, A प्लस 16 DK, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, आगे है माइनस का निशान। इसी के बाद A10 का मतलब हो गया A प्लस 9 D, और ये इन दोनों इसको इसमें से यह माइनस करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 7। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को खोलते हैं, यह है A प्लस 16D, माइनस का निशान है इस ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब इस ब्रैकेट के दोनों निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस, ये आ गया 9D बराबर 7। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये आ गया A माइनस A हो गया 0, ये है 16D, ये है 9D, 16D में से 9D माइनस हो गया 7D बराबर है 7 के, D इसके बराबर आ जाएगा 7, 7 इसके साथ गुना हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा भाग, 7 से 7 कट गया 1, इसका मतलब D आ गया 1 के बराबर। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, सार्व अंतर, और सार्व अंतर क्या होता है D, इसका मतलब इस एपी के लिए, सॉरी इस प्रश्न में जो सार अंतर डी है वह बराबर आया है ए के, तो यही इसका उत्तर है, यही इसका उत्तर है। तो इसमें हमने देखा एक एपी का स्टार वापस एपी की 10वें पद से 7 अधिक था, तो हमने लिखा A17 - A10 बराबर 7, और A17 होता है A+16D के बराबर, A10 होता है A+9D के बराबर, इनको माइनस करके हमने D का मान यानी कि सार अंतर का मान निकाल लिया।